कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितताओं से भी दो चार इस हॉस्पिटल को होना पड़ा। मतलब ये कि वित्तीय अनियमितताओं की जेसीबीआई जांच करेगी और इसका आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया है। ममता सरकार ने जिस एसआईटी का गठन किया था उसे भी सारी फाइलें सीबीआई को सौंपने को कह दिया गया है। पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली के आरोपों की भी सीबीआई जांच करेगी और ऐसा कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। सीबीआई को 3 हफ्ते के भीतर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देने को भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बहुत सारे आदेश यहां पर जारी किए हैं और इन आदेशों में काफी सारी बातें कही गई हैं। इन आदेशों में ये कहा गया है कि वित्तीय अनियमितताएं भी इस हॉस्पिटल में हुआ करती थी जिसकी जांच भी सीबीआई को करनी होगी और पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने भी यही आरोप लगाया था।